आज फिर से एक और बहुत ही अमेजिंग और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ इस पराठे के अंदर प्रोटीन भी है और है सब्जी भी और बच्चे ना इसको खाने से इनकार नहीं कर पाएंगे इतना टेस्टी लगता है ये पराठा और बच्चों के टिफिन में देंगे एकदम से ये हेल्दी हेल्दी सा पराठा और वो भी अचार के साथ क्यों बचपन की यादें ताजा हो गई ना जैसे हम अपना टिफिन लेके जाया करते थे तो आज बच्चों को भी ऐसे ही देंगे और साथ में बनाऊंगी इतना इंस्टेंट मीठा जिसे आप 10 मिनट के अंदर बिना गैस जलाए आराम से बना लेंगे और इसमें आपको आने वाला है रस मलाई और मलाई रोल का टेस्ट हेलो जी कैसे है आप लोग वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीडे स्पेशल विद नेहा अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपीज जो इजी टू मेक होती है फटाफट से बन जाती है होम एंड किचन से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपने काम को करने का पॉजिटिव मोटिवेशन एंड माय डेली रूटीन तो जी ये जो ब्लॉग है ये है बुधवार का सुबह सुबह का टाइम है यानी कल का ही है और सुबह सुबह देखिए क्या झमाझम जम बारिश हो रही है बहुत तेज वाली बारिश थी और घड़ी में देखिए अभी छह बजने में दस मिनट है और अभी मैंने नहा लिया है पूरे घर में झाड़ू भी लगा दी है तो गुड मॉर्निंग और बस अभी ना मैं पहले मंदिर में दिया बाती करूंगी पूजा करूंगी सुबह की और फिर उसके बाद किचन में जाऊंगी तो आज ना घर में लाइट नहीं है क्योंकि बारिश बहुत तेज है जिसकी वजह से लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो मंदिर की लाइट ऑन नहीं हो पाई है अब यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है लौकी क्योंकि मुझे बनाना है अर्णव के लिए टिफिन तो यहाँ पर बहुत बड़े साइज का लौकी है तो मैं इसका हाफ ही लूंगी तो मैंने इसको हाफ कट कर लिया है और इसको ना बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और अब ना इसको अच्छे से हम पील कर लेंगे तो इसकी सारी स्किन को रिमूव कर देंगे इन छिलकों को उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं और इसको कर लेते हैं कद्दूकस तो कद्दूकस में ना इसमें तीन साइज आते हैं एक बिल्कुल स्मॉल आता है एक मीडियम और एक बिल्कुल बिग साइज आता है तो जो मीडियम वाला होता है ना उसमें हमें करना है इसको अच्छे से ग्रेट तो यहाँ पर देखिए जो कद, लौकी है वो बढ़िया से हो चुकी है कद्दूकस और यहाँ पर जितना भी ग्रेटर पे लौकी लगा हुआ है ना उसको अच्छे से निकाल लेंगे और यहां पर ये तो हो चुकी है डन ये देखिए तो इस साइज की हमें करनी है कद्दूकस और वही अपना साथ के साथ ना कद्दूकस को धोकर रख देंगे जिससे इनकी जो शार्पनेस है वो बरकरार रहे तो इसको करने में ना बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है एक मिनट से कम टाइम में ना ये वॉश हो जाती है हमें लगता ही है साथ के साथ इन चीजों को धोकर रख दो ना तो ये अच्छे से मेंटेन रहती हैं बस यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन और सारी कद्दूकस की हुई लौकी को ना पैन में एड कर दिया है अब यहाँ पर दो बड़े चम्मच के आसपास मैंने पानी एड कर दिया इसको ढककर लो फ्लेम पर ना अब हम इसे सॉफ्ट होने देंगे अब जब तक ये सॉफ्ट हो रही है तो बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं क्योंकि भाई सुबह का टाइम है जल्दी जल्दी करना है बच्चे को टिफिन भी देना है तो वहां पर मैंने आटा छान लिया है तो ये लौकी जब तक ना अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक हमें इसको स्टीम करना है और बीच बीच में इसको चलाते भी रहिएगा अब वहां पर आटा छान कर रख लिया है यहाँ पर थोड़ा सा धनिया लगेगा तो मैं धनिया भी निकाल कर रख लूंगी ये देखिए ये जो धनिया है ना मैं संडे को लेकर आई थी और अभी तक बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है तो अगर सब्जियों को अच्छे से आप रखते हैं ना तो काफी दिनों तक अच्छे से बनी रहती हैं तो यहाँ पर धनिया को भी अच्छे से धो लिया है एक बार बीच में ना अच्छे से लौकी को चला देंगे जिससे नीचे वाली लौकी ऊपर आ जाए ऊपर वाली नीचे चली जाए और इवनली ये अच्छे से सब जगह से सॉफ्ट हो जाए अब जब तक अभी सॉफ्ट नहीं हुई है तो यहाँ पर धनिया को भी ना बारीक चॉप कर लेते हैं तो हमें बिल्कुल फाइन चॉप धनिया चाहिए इसमें तो अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक धनिये को कर लेंगे चॉप तो उधर आटा रेडी है इधर हमने धनिये को चॉप कर लिया है और इधर देखिए हमारी जो लौकी है वो भी बढ़िया से हो चुकी है बॉइल अब इसको देखिए ये देखिए सॉफ्ट हो गई है ना बिल्कुल बस गैस को बंद कर देंगे और उसको अच्छे से चलाकर एक बार अब मैं इसको रखने जा रही हूँ पंखे के नीचे तो यहां पर देखिए जो लौकी है उसको मैंने रख दिया है पंखे के नीचे तो फटाफट से ना ये ठंडी हो जाएगी अब जब तक ये ठंडी हो रही है बाकी का काम कर लेते हैं तो यहां पर जो आटा छान कर रखा था उसमें मैं ऐड कर रही हूं दो चम्मच बेसन तो बेसन दाल से पिसा हुआ होता है तो बेसिकली इसमें प्रोटीन का कंटेंट होता है तो हमारा जो पराठा है उसमें थोड़ा सा प्रोटीन भी एड हो जाएगा अब इसमें एड करेंगे हम नमक तो नमक जो हम रोज वाला आटा लगाते हैं हल्का सा ज्यादा ही रखना है अब इसमें ऐड कर देंगे हम धनिया पाउडर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर चुटकी भर हींग ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर देती है ये और अब इसमें ऐड कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर बिल्कुल आधा चम्मच ही मैंने इसमें ऐड किया है बहुत ज्यादा नहीं यहाँ पर अगर आपके पास भुने जीरे का पाउडर ना हो तो आप कच्चा जीरा भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं अब यहाँ पर मैंने एक चम्मच के आसपास इसमें ऑयल ऐड कर दिया है अब यहाँ पर देखिए जो लौकी है वो बढ़िया से हो चुकी है ठंडी तो बस इसको कर देंगे हम आटे के अंदर ऐड ये देखिए तो सारी लौकी को अच्छे से कर दिया है ऐड और बस अब हमें इसे अच्छे से नीट करना है अभी हमें इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना है जितना भी लौकी में पानी है उससे ही हम इस आटे को लगाएंगे अगर लगेगा तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे अदरवाइज इसका जो आटा है हमें थोड़ा सा हार्ड ही लगाना है जो हम नॉर्मली लगाते हैं उससे तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट आटा हमें नहीं लगाना है तो मीडियम हार्ड लगाना है ज्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है नहीं तो जो पराठे हैं ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे तो मीडियम हार्ड ही हमें लगाना है तो जितना इसमें आटा नीड हो सकता है उतना मैंने कर लिया है और थोड़ा सा पानी ऐड किया लगभग कि एक चम्मच के आसपास इसमें पानी गया होगा और बस अब आटा अच्छे से नीड करके मैंने इसमें ना थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है ऊपर से ये देखिए तो ये ना इसमें हमने थोड़ा सा बेसन ऐड किया है इसलिए थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है बस अब वहां पर उसको रेस्ट के लिए रखा है तो इसको ना बहुत ज्यादा रेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है आप तुरंत से इसके पराठे बना सकते हैं टाइम है तो पांच मिनट के लिए रख दीजिए बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं क्योंकि जितना देर आप इसको रखेंगे ना उतना ही ये लूज हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए मैंने कर ली है पराठे बनाने की तैयारी तो वहां पर देखिए घी गरम कर दिया है तवे के ऊपर रखकर अच्छे से और यहाँ पर सबसे पहला जो रोटी है वो मैं बनाऊंगी गाय की तो जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको पता ही होगा तो सबसे पहले रोटी मेरे घर में गाय की बनती है तो यहाँ पर सबसे पहले एक रोटी बन जाएगी गाय की फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी अरनब के लिए पराठा तो चलिए अब यहाँ पर बना लेती हूँ मैं अर्णव के टिफिन के लिए पराठा तो यहाँ पर एक और लोई ले ली है उसको सूखे आटे में कर लिया है डस्ट और उसको अच्छे से बेल लूंगी मैं तो थोड़ा सा बड़ा करने के बाद ना मैं इसको घी लगाकर स्क्वायर शेप का बनाने वाली हूं तो इसको स्क्वायर शेप में फोल्ड कर दूंगी आप चाहें तो इसका ट्राइंगल भी बना सकते हैं राउंड शेप में बनाना चाहते हैं तो राउंड शेप में भी आप बना सकते हैं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी शेप का पराठा बनाना है आप जिस शेप का बनाने में कंफर्टेबल हो आप उसी शेप में बना लीजिए और जैसा आपके घर में खाना पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए बस यहाँ पर देखिए पराठे को बेल लिया है तवे पर घी लगाकर उसको कर दिया है प्लेस। तो खाने का जो टेस्ट है ना वो हर घर का अलग अलग होता है किसी के घर में नमक तेज खाया जाता है किसी के घर में नमक कम खाया जाता है किसी के घर में तेज मसाले पसंद किए जाते हैं किसी के घर में कम मसाले पसंद किए जाते हैं तो जो खाना है ना हर घर का डिफरेंट होता है बस एक जस्ट ये आइडिया हो जाता है कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को बना सकते हैं तो इसमें भी आप काफी सारे वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं आप इसमें और भी वेजीज ऐड कर सकते हैं तो ये जो हम होम मेकर्स होती हैं ना ट्राई करती रहती हैं तो बस मैं इसीलिए आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूं क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना समझ में ही नहीं आता कि हम बच्चों को क्या बनाकर दें तो इसीलिए मैं अभी ये टिफिन सीरीज चला रही हूं जिसमें आपको ना अच्छी अच्छी मैं रेसिपीज दे सकूं जो बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस भी हैं और बच्चे उनको खा भी लें तो मैं वही रेसिपीज बनाती हूं जो मेरे घर में मेरा बच्चा खा लेता है जो मेरा बेटा नहीं खाता है उन रेसिपीज को मैं बहुत कम शेयर करती हूं क्योंकि जब मेरा बेटा नहीं खा रहा है तो मुझे लगता है शायद कोई और बच्चा ना खाए अब यहां पर देखिए दोनों तरफ से घी लगाकर ना अच्छे से मैंने इसको सेक लिया है और कितना बढ़िया कलर आया है और यहाँ पर एक और पराठा भी हो चुका है तैयार तो बस यहाँ पर अड़नव के लिए जो पराठे है बनकर हो चुके हैं तैयार और ये देखिए कितने नरम मुलायम सॉफ्ट बने हैं आप ना इनको कहीं अगर सफर में भी जा रहे हैं ना वहां पर भी पैक करके ले जाइए बहुत ही अच्छे लगते हैं और आज दे रही हूँ अचार तो जब भी ना मैं अंडब के टिफिन में अचार देती हूँ ना तो मुझे तो अपने स्कूल की याद आ जाती है जैसे हम अपने डब्बे में लेके जाते थे ना अचार पराठा बस वही वाली फीलिंग आती है तो बच्चों को ना अपनी जड़ों से हमें बांध कर रखना बहुत जरूरी है तो उनको मैं बताती रहती हूँ अर्णव को कि मैं ना टिफिन में इस तरह से अचार और पराठा लेके जाती थी तो अर्णव ना कभी कभी कहता है मम्मा आज मुझे ना अपने जैसे आप अचार और पराठा ही देना तो अब प्लेन पराठा देने से अच्छा मुझे लगता है ना कि मैं कुछ उसमें वेजीज ऐड करूँ कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू एड करूं ताकि उसको कुछ हेल्दी खाने को मिल सके बस यहाँ पर देखिए उसका जो टिफिन है वो हो चुका है रेडी और यहाँ पर देखिए बारिश ना अभी तक भी हो रही है लेकिन अभी ना थोड़ी थोड़ी कम हो गई है सुबह के कंपैरिजन में अब यहाँ पर अर्नब हो चुका है रेडी और अभी भी ना वो अचार से ही पराठा कर रहा है एंजॉय और यहाँ पर देखिये टाइम हुआ है छह बज के मिनट यानी अभी सात बजने में ना टाइम है तो अभी बस हम यही सोच रहे थे जाए ना जाए अन्न को भेजे ना भेजे पर फाइनली उसकी बस आ गई थी तो हमने उसको स्कूल भेज दिया बस उसको स्कूल भेज कर, मैं थोड़ी देर बाहर बैलकनी में खड़ी हुई हाँ जी तो अरना चला गया है स्कूल पहले सोच रहे थे भेजे या ना भेजे फिर आखिरकार ना हमने भेज ही दिया क्योंकि बारिश ना थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी तो लग रहा था कि अभी रुक जाएगी और उसकी बस भी आ गई थी तो हमने फिर उसको भेज दिया तो अरना तो चला गया स्कूल हस्बैंड भी चले गए हैं टिफिन लेकर और मैंने ना हेयर वॉश किया है अभी क्योंकि नहा तो मैं सुबह ही लेती हूँ लेकिन जब भी मुझे हेयर वॉश करने होता है ना तो मैं इसी टाइम पर हेयर वॉश करती हूं और बस चेंज भी कर लिया और अभी भी मौसम ना मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए अभी भी मौसम ना ऐसी घटा घटा वाला है बारिश तो रुक गई है लेकिन अभी भी पर हवा ना बहुत अच्छी चल रही है बहुत ही अच्छा सा वेदर हो गया है तो बस अभी मैंने हेयर वॉश किए हैं और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है तो बनाने जा रही हूँ एक चाय और करूंगी अपना ब्रंच जो सुबह ना लोकी वाले पराठे बनाए थे बहुत ही मस्त बने हैं थोड़ा सा मैंने खाया था और अभी बाकी का मैं अभी खाऊंगी तो चाय से आज करूंगी इंजॉय अपने लोकी वाले पराठे तो बस आ गई थी मैं किचन में चाय बनाने के लिए और बिल्कुल ही आधा कप चाय बनाऊंगी क्योंकि कल भी ना तीन चाय हो गई थी तो बहुत ज्यादा चाय भी ना अच्छी नहीं होती है तो दो कप चाय तो तो मेरी परमानेंट है ही सुबह वाली और शाम वाली तो ये वाली ऑप्शन होती है जब मेरा मन होता है मैं ले लेती हूँ या कभी हेयर वगैरह वॉश करती हूँ तो तब ले लेती हूँ तो क्वांटिटी को कम कर देती हूँ जिससे बहुत ज्यादा चाय ना हो तो बस आधा कप ही चाय बनाई है यहाँ पर ले लिया है पराठा और ये जो आप लोग की सब्जी देख रहे हैं ये हस्बैंड के टिफिन के लिए बनाई थी मैंने तो बस थोड़ी सी मैंने यही ले ली थी क्योंकि चाय ले रही हूँ ना चाय के साथ फिर अचार मैंने अवॉइड किया और बस यहाँ पर अभी बैठकर मैं करूंगी अपना चाय और पराठा एंजॉय और साथ में लूंगी मौसम का मजा बहुत ही अच्छी ना ठंडी ठंडी हवा आ रही थी यहाँ पर तो बस मैं यहाँ पर बैठ गई और चला लिए मैंने अपने पुराने वाले गाने और आज ना मेट भी आ ही गई थी पहले तो मुझे लग रहा था कि नहीं आएगी बट आ गई तो मेरा काम बिल्कुल अपने टाइम से निपट गया था और बस चाय वाय पीने के बाद ब्रंच करने के बाद मैं बैठ गई थी अपनी बुक को रीड करने के लिए तो ये जो बुक है ना ये मैंने ऑर्डर की थी जब मैंने अर्णव की स्टोरी बुक्स मंगाई थी ना तब और ये इतनी अच्छी बुक है इसमें इतनी अच्छी बात लिखी है ना मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये देखिए तो इसमें ये जो लिखा है ना कि यू शुड ओनली कंपेयर योर सेल्फ टू हु यू वर इन द पास्ट इफ यू फील लाइक यू आर डूइंग बेटर देन अयर अगो यू आर विनिंग तो मतलब इसमें ना बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स लिखी हुई है अक्सर ना लोग अपना कंपेरिजन किसी और से करने लगते है और यही सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि हम अपना कंपैरिजन किसी और से करते हैं भगवान ने ना सबको अलग अलग बनाया है तो सबके गुण क्वालिटी सबको अलग अलग चीजें देकर भेजा है तो जो आप हैं वो दूसरा नहीं हो सकता और जो दूसरा है वो आप नहीं हो सकते हो तो इसीलिए अगर कंपैरिजन करना है तो अपना खुद से कीजिए किसी और से नहीं क्योंकि आप जब अपना कंपैरिजन करेंगे कि आप पास्ट में क्या थे और अभी प्रेजेंट में क्या है तो आपको पता चलेगा कि आपने एक साल में कितना इम्प्रूवमेंट किया है या नहीं किया है तो इसीलिए अपने आप को अपने से ही कंपेयर कीजिए किसी और से नहीं दूसरा कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है कितनी अच्छी जॉब पर है कितने अच्छे स्टेटस लगाता है कहाँ कहाँ घूमने जाता है अक्सर यही सोच सोच करना हम दुखी हो जाते हैं कि वो तो घूमने जा रहा है और हम लोग बैठे हैं घर पर तो ये रियलिटी नहीं है रियलिटी ये है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो आप अपने थॉट्स को कैसे पॉजिटिव कर रहे हो कैसे अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना रहे हो तो इसीलिए दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़िए और अपना कंपैरिजन अपने आप से कीजिए तो आपकी लाइफ ना बहुत आसान हो जाएगी तो ये बुक ना मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली और हस्बैंड को भी ना बहुत ही अच्छी लगी इसमें जितनी भी बातें लिखी हैं इतनी पॉजिटिव वाइब देती हैं आपके विजन को ना एकदम क्लियर कर देती हैं अब ये देखिए हम लोग ना हर समय कंपैरिजन करते रहते हैं दूसरों से तो दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है अगर हम ये सोचने की बजाय अपनी लाइफ में हमारे क्या चल रहा है और उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं अगर इस पर ध्यान देंगे तो हमारी लाइफ वाकई में बहुत आसान हो जाएगी खैर अपना मी टाइम इंजॉय करने के बाद मैं आई थी यहाँ पर मुझे ड्राई फ्रूट्स करने थे ग्रेट क्योंकि आज कुछ स्पेशल बना रही हूं तो यहाँ पर बादाम पिस्ता काजू मैंने ग्रेट कर लिए हैं अच्छे से स्लाइस कर लिया है उनको और यहाँ पर इलायची को पीस लिया है हाँ जी तो मेरा ब्रंच हो चुका है और मैं काफी देर ना बाहर बैठे रही थी बहुत अच्छा सा वेदर हो रखा है ना वहां से उठने का मन ही नहीं कर रहा है तो आज ना बहुत अच्छा सा मी टाइम मैंने एंजॉय किया तो अभी ना मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग सी स्वीट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ एक्चुअली इसकी ना मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि कोई ना ऐसी इंस्टेंट स्वीट डेजर्ट बताइए जिसे ना हम फटाफट से बना ले और कम से कम इनग्रीडियंट उसमें यूज हो तो आज ना बिल्कुल टेन मिनट रेसिपी मैं आपको आने हूं, ना आपको गैस जलाना है ना आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है सिर्फ़ घर के ही रखे सामानों से ना हम उसको सिर्फ 10 मिनट के अंदर बनाकर रेडी कर लेंगे और खाने में तो इतनी अमेजिंग है इतनी टेस्टी है कि आप जब चाहे इसको बनाकर खा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कटोरी दूध तो दूध सबके घर में होता है तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही मैंने लिया है दूध अब इसमें ऐड करूंगी पीसी हुई चीनी तो आप नॉर्मल चीनी भी ऐड कर सकते हैं बस मैंने चीनी को इसलिए पीस लिया ताकि जल्दी से ये घुल जाए तो मैं दो चम्मच चीनी ऐड कर रही करे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तीन चम्मच मिल्क पाउडर तो ये भी इजीली ना मिल जाता है अगर आपके घर में नहीं है तो आसपास में मिल जाएगा इसका छोटा पैकेट भी आता है आप वो ले लीजिए वो भी इनफ होगा तो ये मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने एक चम्मच और ऐड कर दिया तो बेसिकली चार चम्मच मिल्क पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है और इसको बहुत अच्छे से हम घोल लेंगे आराम से घुल जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने काजू बादाम और पिस्ता को स्लाइस करके रखा है और थोड़ा सा इलायची का पाउडर अब इनमें से अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप मत ऐड कीजिए खाली बादाम ऐड कर सकते हैं खाली काजू ऐड कर सकते हैं तो जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो आप वो ऐड कर लीजिए मैंने इसमें एक ड्रॉप वनीला एसेंस डाला है ये भी टोटली ऑप्शनल है और अगर आपके पास केसर हो तो केसर को ना दूध में दिघो कर एड कर दीजिए इसका कलर ना बहुत ही बढ़िया आ जाएगा मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया बस यहाँ पर हमारे जो डिप है वो तो बनकर हो गया है तैयार अब एक और प्रिपरेशन करनी है तो उसको भी फटाफट से कर लेते हैं तो इसको रखेंगे साइड पर ये तो बिल्कुल तैयार है तो अभी मैंने ले ली है यहाँ पर दो बड़े चम्मच मलाई जो दूध की ही मलाई होती है ना वो ले ली है मैंने आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो वो भी ले सकते हैं तो ये घर के दूध से निकली हुई मलाई है वो ले ली है मैंने दो बड़े चम्मच अब इसमें ना मैं चार चम्मच या उससे ज्यादा भी आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए क्योंकि हमें ना इसका बिल्कुल थिक पेस्ट बनाना है जैसे जो स्प्रेड होता है ना हमें इसको स्प्रेड कंसिस्टेंसी का बनाना है बस और इसमें ऐड करेंगे हम चुटकी भर इलायची पाउडर और चीनी अगेन चीनी का पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लीजिए और बस इसको ना अच्छे से मिक्स कर देंगे बिल्कुल जैसे स्प्रेड होता है ना हमें वैसे इसको बना लेना है आप जैसे जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे ना बिल्कुल जैसे मावा होता है ना उस कंसिस्टेंसी में आता चला जाएगा तो ये आपका ना एक इंस्टेंट मावा बनकर हो गया है तैयार ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है बस इसको अच्छे से फेट दीजिए बिल्कुल बढ़िया सा स्प्रेड हो गया है तैयार वो भी मिनटों में तो बस सब चीजें रेडी हैं अब फाइनली हम करेंगे असेंबल और बस अब इसका मेन इंग्रेडिएंट ले लेते हैं तो यहाँ पर ले ली है मैंने ब्रेड तो ये आठ ब्रेड के स्लाइसिस हैं एक के ऊपर एक रखे हुए हैं मैंने तो कोई भी कटोरी ले लीजिए आप कोई भी गिलास ले लीजिए और इस तरह से ना गोल गोल कट कर ली देंगे हम तो इनके ना सर्कल्स निकाल लेंगे आप इनको ट्राइंगल भी कट कर सकते हैं इनके साइड्स को निकाल कर मैं राउंड शेप में बना रही हूँ और जिनके साइड्स हैं ना इनको फेंके नहीं इनको सुखा कर ब्रेड क्रम बना लीजिए या फिर मिक्सी में चलाकर तो आप इनके कटलेट्स वगैरह में यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे जो सर्कल्स हैं वो बनकर हो गए हैं तैयार बस अब हमें कुछ नहीं करना है ये जो स्प्रेड बनाया है ना इसको अच्छे से ना इस पर हम स्प्रेड कर देंगे ये देखिए इस तरह से और दूसरे से इसको कर देंगे कवर ये देखिए इस तरह से चारों में कर लूंगी तैयार और ये इतना यम्मी लगता है ना इतना डिलीशियस इतना टेस्टी बहुत ही मजेदार लगता है अगर आपके घर में कोई गेस्ट भी आ रहा है ना आप इसको फटाफट से बना सकते हैं इन मिनट्स आपको कोई टाइम नहीं लगेगा और ये सारा सामान ना मोस्टली घर में अवेलेबल ही होता है कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो हाँ मिल्क पाउडर हो सकता है कि आपके घर में अवेलेबल ना हो तो वो आप मार्केट से ला सकते हैं तो यहाँ पर देखिए चारों कर लिए हैं मैंने तैयार अब यहाँ पर ना थोड़ा सा दूध मैंने और ले लिया है बस इसको ना इसमें इस तरह से करना है डिप जिससे जो ब्रेड है वो अच्छे से सोख ले और बस अब इसको सर्विंग प्लेट में ना इस तरह से मैं निकाल दूंगी ये देखिए दूसरी सर्कल को भी कर दिया इस तरह से डिप तो इसी तरह से चारों ब्रेड सर्कल्स को ना हम दूध में अच्छे से डिप करेंगे और इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे तो सर्व कैसे करना है वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा रही हूँ ये देखिए और बस अभी जो हमने ये दूध का घोल बना के रखा था ना ये देखिए बस इसको ना इसके ऊपर पोर कर देंगे इस से जैसे रस मलाई होती है ना तो बिल्कुल रस मलाई का जो रस होता है ना वो हमने तैयार किया है ये देखे और अगर आप इसमें केसर भिगो कर डाल देंगे ना तो बिल्कुल बाजार वाला रसमलाई वाला येलो कलर इसमें आ जाएगा और ये देखिए बिल्कुल इंस्टेंट रसमलाई आपकी बनकर तैयार है आपको इसमें रसमलाई का भी टेस्ट आएगा स्पंज वाले रसगुल्ले का भी टेस्ट आएगा और मलाई रोल का भी टेस्ट आएगा मतलब थ्री इन वन रेसिपी है ये नो फेल रेसिपी है जब भी मन करे इंस्टेंटली बनाकर खा लीजिए अपने गेस्ट को खिलाइए आप खाइए मतलब ये ऐसी रेसिपी है अगर आधी रात को भी मीठे की क्रेविंग हो ना तो आप इसको बनाकर खा लीजिए और अगर आप इस का और अच्छा टेस्ट चाहते हैं ना तो इसको थोड़ा सा ना फ्रिज में ठंडा करके खाइए तो बिल्कुल मजा आ जाए चलिए ना मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ बहुत ही टेस्टी बनी है यम तो जब भी आपको मीठे की क्रेविंग हो ना फटाफट से बनाइए और खा जाइए बहुत ही अमेजिंग है इसमें आपको रस मलाई मलाई रोज सबका टेस्ट आने वाला है तो बस इसी के साथ आज का ये ब्लॉग होता है यहीं पर एंड वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में चिल्ड्रेन बाय स्टेपी ऑल दी